और जो लखीमपुर खीरी में जो ये घटना हुई है ये बहुत गलत है। इसके खिलाफ हम सभी इकट्ठा होकर इसके मजम्मत करते हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है देश की आम जनता सभी मजदूर इसको रोड पर आना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हिटलर ने भी किसानों के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन ये हमारी सरकार तो हिटलर से भी आगे निकल गई है, क्योंकि सरकार की जो है वो सिर्फ ये है कि वो वन साइडेड काम कर रहे हैं, वो सिर्फ तानाशाही वाले काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो सिर्फ चार बंदों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें ऊपर वाला हमारे साथ है, इंसाफ हमें ज़रूर मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है इंसाफ हमें मिलेगा। BJP मुस्लिम सिख सभी के खिलाफ है, और उन्हीं के खिलाफ नहीं है, ये तो अपने हिंदू भाइयों के भी खिलाफ है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, यहाँ हर वर्ग ने कुर्बानी दे रखी है, खाली RSS वालों की एक भी कुर्बानी नहीं है। NZ पंजाबी न्यूज़ से तुहाड़ा स्वागत है, मैं गुरशमशीर सिंह। लखीमपुर खीरी दे विच जिहड़ा किसान कतलेआम होया, उस कतलेआम के खिलाफ पूरे भारत दे विच एक रोह है, पंजाब इस अंदोलन का सेंटर रहा, तो पंजाब दे विच एक रिएक्शन होना स्वाभाविक है। तो इस तरह चंडीगढ़ दे विच जिहड़े प्रोटेस्टर्स वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इत्थे मुहम्मद आबिद ने साडे नाल, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਸ਼ਾਇਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਆਹਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਬਿਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, इसके खिलाफ हम सभी इकट्ठा हो गए इसके मजम्मत करते हैं, और हम हमेशा किसान मजदूर एकता साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और अभी तो किसान सड़कों पर है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है देश की आम जनता सभी मजदूर इसको रोड पर आना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर हम सरकार के खिलाफ आज नहीं बोलेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमको बहुत कुछ कहेगी। तो आपने कहा कि आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ कहेगी, तो क्या क्या आपको लग रहा है ऐसी नौबत क्यों है? मतलब कि ये नौबत क्यों है कि सभी को बोलना पड़े? सरकार आपको लग रहा है कि पुलिस अपना काम करेगी? सर बात यह है, हिटलर ने भी किसानों के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन ये हमारी सरकार तो हिटलर से भी आगे निकल गई है। उसने किसानों के साथ जो लखीमपुर में किया है ना, गोली चलाई है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अच्छा ठीक है, तो आपने हिटलर से ताबीर कर दिया, हिटलर से भी आगे बढ़कर बात बोल दी, तो आपको लग रहा है कि जो योगी सरकार है, पहले जिस दिन से योगी सरकार आई है 2017 से, तो आप उसके जो उसकी इंतजामिया है, जो उसके काम करने का तरीका है, या जो उन्होंने अब तक किया है, उसको कैसे, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? वो परफॉर्मेंस योगी सरकार की जो है वो सिर्फ ये है कि वो वन साइडेड काम कर रहे हैं, वो सिर्फ तानाशाही वाले काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो सिर्फ चार बंदों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें आप जिससे भी आप बात करेंगे सभी मजदूर परेशान हैं, सभी ज़्यादा। अब कोई बोल जाता है, कोई बेचारा चुप रह जाता है, परेशान सभी हैं। तो क्या लगता है, मतलब कि ये हौसला कहाँ से मिलता है सरकार को? सरकार मतलब कि किसानों को मार रही है, कत्लेआम कर रही है, तो सरकार को डर क्यों नहीं है लोगों का, या किसी कानून का? कानून को की पामाली बालादस्ती की बात करते हैं वो, तो आप क्यों नहीं वो उसको फॉलो करते हैं? देखिए सर, बात यह है कि हमारे जो भाइयों ने इस सरकार को इसलिए मेजोरिटी में लाए थे कि ये एक परिवर्तन है और ये देश को काफ़ी हद तक आगे ले जाएंगे। अब उनकी कोई गलती नहीं है जिन्होंने इनको वोट दिया है, लेकिन अब वो भी समझ गए हैं कि इस सरकार ने जो है ना, वो तो पुराने को भुला के अपना नाम आगे कर लिया है। जितनी परेशानियाँ इस सरकार में आ रही हैं वो तो मैं कहता हूँ पिछले किसी सरकार में नहीं आई है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा इसमें? आपको लग रहा है, उम्मीद है आपको?
देखो जी, किसान खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हम किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इसमें ऐसा है, ऊपर वाला हमारे साथ है, इंसाफ हमें ज़रूर मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है इंसाफ हमें मिले जी। वैसे तो ये किसान आंदोलन है, वैसे आपने देखा कि कल जो लोग मारे गए हैं वो सिख हैं जी। सिख एक अकलियत है हिंदुस्तान में जी, जी। मुस्लिम भी एक अकलियत है, तो एक परसेप्शन है कि जो बीजेपी है वो अकलियतों के खिलाफ है, तो आपको लगता है कि बीजेपी अकलियतों के खिलाफ है? सर, बीजेपी मुस्लिम सिख सभी के खिलाफ है, और उन्हीं के खिलाफ नहीं है, ये तो अपने हिंदू भाइयों के भी खिलाफ है। वो पीछे से जो वो वार कर रहे हैं ना, इसका पता आने वाले 10-15 साल में लगेगा कि कारोबार से लोग कितने परेशान हैं। आप अभी यहाँ पे 1000 बंदा इकट्ठा है, आप ये से पूछिए कारोबार कैसा है, वो बोलता है जी कारोबार तो है ही नहीं है। ये इस सरकार की बात है, और हिंदू मुस्लिम सिख सब एक हैं, ये भेदभाव सिर्फ इस सरकार ने किया हुआ है, और हमेशा हम सब इकट्ठा होकर कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तत्पर हैं। इंशाल्लाह हम एक साथ चलेंगे कंधे से कंधा मिला। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार है वो मुस्लिम को भी टारगेट करती है, खासतौर पर यूपी में जैसे फेक इनकाउंटर हुए थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई थी जब योगी सरकार आई थी, आपको पता होगा, तो आपको लग रहा है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं मुस्लिम आइडेंटिटी यूपी में टारगेट पे है सरकार के, या उसके ध्रुवीकरण के साथ वो वोटें लेना चाहती है? सर, वो यूपी में नहीं, वो तो पूरे देश में ही टारगेट पे, वो सभी जानते हैं, और खाली मुस्लिम नहीं, सभी टारगेट पे हैं। इसमें अकेला मुस्लिम का नाम लेना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, सभी सरकार के टारगेट पे हैं, सिर्फ अडानी और अंबानी को छोड़। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो अभी घर पे बैठे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सर ये कहना चाहूँगा, जो घर पे बैठे हैं ना, उनको भी रोड पर आना पड़ेगा, घर पे बैठकर काम चलने वाला नहीं है। आज ये किसी एक का मसला नहीं है जी, ये तो सभी का मसला है, और अगर आज नहीं आए ना, तो आने वाले टाइम पे उनकी नस्लें उनको ये कहेंगी कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है इस सरकार के लिए। तो आपको, आप तो बीजेपी जो अगेंस्ट होते हैं बीजेपी के, उसको देशद्रोही कहते हैं, आपने तिरंगा झंडा उठाया हुआ है, तो इस तिरंगे को आपने क्यों उठाया है इस प्रोटेस्ट में? हम तिरंगे, ये देश की शान है, इस तिरंगे के नीचे तो हम पले बड़े हैं, हम इसको कैसे नहीं उठाएंगे? बीजेपी जो मर्जी बोले, हमने इसके लिए कुर्बानी दी है, हमारा इतिहास उठाए बीजेपी ने, इतिहास तो ख़त्म कर दिया ना, बीजेपी इतिहास तो उठाए कि मुस्लिमों ने, सिखों ने, हिंदू भाइयों ने कितनी कुर्बानी दी है। आरएसएस वालों ने बताइए मुझे क्या कुर्बानी दी है, एक कुर्बानी सामने तो लाए वो। तो आप बोल रहे हो कि देश, आप देश उतना आपका भी है? हाँ, हमारा पूरा हिस्सा है, बराबर है, बराबर हिस्सा है। ठीक है, शादाब जी, आप भी मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, यहाँ हर वर्ग ने कुर्बानी दे रखी है, खाली आरएसएस वालों की एक भी कुर्बानी नहीं है। इंडिया गेट पे आप जाओगे तो वहाँ के आरएसएस वालों के नाम नहीं लिखे हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, शहादत दी है, उनके नाम लिखे हुए हैं वहाँ पर। तो ये बोल रहे थे कि जैसे इन्होंने बात की थी, तो ये बोल रहे थे कि सभी पे अटैक है, पर अगर मैं सीधा पूछूं, देखिए मुस्लिम पे अटैक इस गवर्नमेंट जब आई भी थी, जब अब भी हम देखते हैं, तो मुस्लिम जो शिनाख्त है उस पे अटैक तो रहता है, आप मानते हैं उस बात को? तो कहीं आपको लग नहीं रहा कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इसको लड़ने की बजाय ओवर डिफेंसिव रहती है? नहीं, क्या ये ना, बीजेपी ने एक दहशत का माहौल बना रखा है, एक वोट बैंक बनाने के चक्कर में मुस्लिमों को टारगेट करती है कि हिंदू वोट हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन बीजेपी से सबको खतरा है, हिंदू को भी है, ये सिर्फ आरएसएस चला रही है इसको बीजेपी को, और ये उन्हीं के आगे चल रहे हैं, अडानी अंबानी इनके बाप दादा बन चुके हैं, वही सरकार को चला रहे हैं, गरीबों का खून चूसने का इन्होंने काम शुरू कर दिया है। और जब कहते हैं आग लगती है ना, तो सब में लगती है, उसमें फिर एक वर्ग नहीं आता, फिर सब लगती है। आज हम किसान भाई बैठे हैं, जो भी है, इसमें हर वर्ग का इंसान बैठा है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सब किसानों के साथ खड़े हैं, एक बीजेपी के लिए, क्योंकि वो अपनी तानाशाही पर अड़ी हुई है, ये काले कानून वापस नहीं कर रही है, और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक जाने, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये अपने काले कानून वापस नहीं करेंगे। तो आपको लग रहा है कि जो प्रियंका गांधी को रोका गया, अखिलेश यादव को रोका गया यूपी में, तो दीपेंद्र हुड्डा को रोका गया, तो क्यों सरकार वहाँ उन्हें जाने क्यों नहीं दे रही?
ये सरकार की एक तानाशाही होगी यूपी के अंदर। योगी सरकार ने जो तानाशाही कर रखी है वो बहुत ही गलत कर रखी है। वहाँ हर वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, कभी मस्जिद को लेके, कभी और अदर किसी चीज़ों को लेके एक टारगेट किया जा रहा है। अपनी एक गुंडागर्दी तानाशाही वाली ये है, और ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बस दो तीन महीने की और मेहमान है, उसके बाद इनका खेल ख़त्म है। ये बीजेपी सरकार भी ख़त्म होगी अब सब जगह से, क्योंकि अब इनकी ये समझ लो महाराष्ट्र में इनकी सरकार चल गई, राजस्थान में है ख़त्म है, पंजाब में ख़त्म है, उत्तराखंड से भी इनका सफाया बहुत जल्दी है। आने वाले 2-4 महीनों में ही इनकी औकात का इनको पता चल जाएगा। तो आपको लग रहा है कि जो किसान आंदोलन की वजह से इसका जो बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा यूपी में? बिल्कुल होगा, किसानों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। हम भी किसान ही हैं, हमारे बाप दादा किसान ही है, तो किसानों की ताकत से बड़ी और कोई ताकत नहीं है, हमारे अन्नदाता है। बीजेपी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जो चीज़ हमें 10 रुपये किलो मिलेगी वो अगर हमें 60 रुपये किलो मिलेगी तो हर इंसान परेशान होगा। बिल्कुल, तो ये तो हमारे अन्नदाता है, अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? ये तो समझना पड़ेगा ये सभी को जी। किसान एक बार रोएगा, आम जनता बार बार रोएगी। धन्यवाद बहुत बहुत एसन मोहम्मद आबिद ते शहदाब, जिन्होंने सानू दसिया कि जो किसान आंदोलन है वो सारे दा सांझ है। वो जो लोड है, जो किसानी दी कल्ले दी लोड नहीं, पूरे वर्ग दी, पूरे पब्लिक दी लोड है इस आंदोलन सपोर्ट करना। तो बीजेपी दी जिहड़ी योगी सरकार है यूपी दे विच, उहदा सूपड़ा साफ होएगा, इन्हां दा मनना है किसान आंदोलन दे चल। धन्यवाद।